विश्व भर में फैली नोवल कोरोना वायरस की बीमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से फॉलो करें। इसके अधीन आए सभी आदेशों का पालन करें हम एकजुट होकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं घर में रहें नमस्कार कर्मायदा के यूट्यूब चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में आपका स्वागत है आप हमारे चैनल पर किडनी की बीमारी और उसके आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं आप लोग जिस तरह हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं जिस तरह कमेंट्स कर वीडियोस का हिस्सा बनते हैं ये देखकर हमें बेहद अच्छा लगता है आज हमारे शो का उनतीसवा एपिसोड है हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सवालों के जवाब लेकर जहां हम किडनी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं हम आपको बता दें आप चाहें तो अपना नंबर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं हमारे एक्सपर्ट खुद आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे इससे पहले आज के सवाल जवाब शुरू करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ी सभी अपडेट पाने के लिए स्क्रीन पर मौजूद बेलाइकन को जरूर दबाएं चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है क्या किडनी रोगी फिश खा सकते हैं ये सवाल हमसे किया है राजा कुमार जी ने पहले तो सवाल पूछने के लिए धन्यवाद राजा जी एक किडनी रोगी के लिए उसके आहार में प्रोटीन नियमित मात्रा में होना चाहिए आप फिश को अपनी मील में शामिल कर सकते हैं या नहीं ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स पर निर्भर करता है यदि आपका के एफ टी नॉर्मल रेंज में है तो आप जरूर करीब पंद्रह दिन में एक बार फिश खा सकते हैं लेकिन याद रखें साठ से सत्तर ग्राम इससे अधिक नहीं लेकिन यदि आपका के एफ टी नॉर्मल रेंज में नहीं है तो आप फिश खाना अवॉइड बिल्कुल करें आज का दूसरा सवाल है पी बारी जी का उनका सवाल है क्या किडनी पेशेंट कचरी की सब्जी खा सकते हैं नहीं किडनी रोगियों को कचरी की सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है अधिक पोटेशियम की मात्रा से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है चलिए अगले सवाल की ओर चलें जो सिंधु कुमारी जी ने किया है इन्होंने हमसे पूछा है क्या किडनी रोगी पुदीने की चटनी खा सकते हैं सिंधु जी दरअसल पुदीना में पोटेशियम की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है इसलिए किडनी रोगी को पुदीने की चटनी का परहेज करना बेहतर रहता है अगला सवाल है क्या किडनी रोगी कॉर्नफ्लैक्स खा सकते हैं ये सवाल किया है शुभ कुमार जी ने शुभ कुमार जी वैसे कॉर्नफ्लैक्स बहुत ही पौष्टिक होते हैं लेकिन किडनी रोगी के लिए इन्हें अवॉइड करना ही बेहतर है इनमें फॉस्फोरस और पोटेशियम दोनों ही अधिक मात्रा में होते हैं जो किडनी रोगी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते आपके लिए जरूरी है आपके आहार में पोटेशियम और फॉस्फोरस की मात्रा नियंत्रित रहे और अब आज का आखिरी सवाल ये सवाल किया है लक्ष्य खत्री जी ने इनका सवाल है कि किडनी श्रिंकेज की समस्या में किडनी रोगी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खत्री जी सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किडनी श्रिंकेज एक आम समस्या हो गई है क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां सीधा किडनी पर असर कर सकती हैं। ऐसे में आपके लिए अपने आहार में सोडियम की मात्रा को कम करना बहुत ही जरूरी है आपको साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए साथ ही अपने भोजन में प्रोटीन को कम से कम ही शामिल करें इस पर चाहे तो डॉक्टर की सलाह लें तला व भुना हुआ खाना या ऐसे व्यंजन जिनमें फैट अधिक मात्रा में मौजूद हो उनका सेवन कम ही करें आप अपने भोजन में ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल ही यूज करें साथ ही कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें आपके लिए घिया तोरई टिंडा हरा कद्दू जैसी सब्जियां फायदेमंद रहेंगी इन्हें ही अपनी आहार शैली में शामिल करें फलों की बात करें तो आप सेब पपीता बिना बीज वाला अमरूद खा सकते हैं क्योंकि इनमें पोटेशियम की मात्रा सीमित होती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप अपने भोजन में अधिक मीठे व्यंजनों को शामिल ना करें जैसे कि केक पेस्ट्रीज चॉकलेट इनका सेवन बिल्कुल भी ना करें करें इनसे परहेज करें। आपके लिए बेहतर है आप डाइटिशियन से सलाह लेकर अपने लिए एक आहार शैली तैयार करें जिसे आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया हो तो ये थे आज के जरूरी सवाल आशा है आपको आपके सभी सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नए सवालों के साथ तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें अपने घरों में रहें आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाएं योग करें एक अच्छा पौष्टिक आहार लें अगर आप या आपका कोई भी परिजन किडनी की बीमारी से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वदा में संपर्क करें और पाए किडनी से जुड़ी हर समस्या का हल कर्मायुदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप अपने सभी सवाल कमेंट सेक्शन में लिख भेज सकते हैं अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख हमें जरूर बताएं आप सभी के कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं ऐसी ही जरूरी जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें खुश रहें इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद